Hello student, welcome in Secretary to online classes. Today we are going to discuss about hypertension. What is hypertension? Hypertension is also known as high blood pressure. And high blood pressure में क्या होता है कि जब हमारा blood pressure बहुत ज्यादा high हो जाता है, हमें बहुत ज्यादा घबराहट होने लगती है, हम गुस्सा करने लगते हैं, तोड़ मतलब झगड़ा फसाद जो भी है ये सब करने लगते हैं. ओके, ब्लड प्रेशर हमारा दो होता है, एक हाई ब्लड प्रेशर एक लो ब्लड प्रेशर. लो ब्लड प्रेशर में क्या होता है, लो ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स क्या होते हैं, इसमें हमारे हाथ पैर एकदम ठंडे होने लगते हैं और हम जहां पे बैठे हैं, जैसे आप क्लास में बैठे हो, हेड डाउन किए हो और लो बीपी हुआ है तो पता भी नहीं चलता, डेथ हो जाती है. और लो बीपी का सिम्टम क्या है, हमारे जो हाथ पैर हैं वो ठंडे होने लगते हैं. ओके, और हमें बहुत ज्यादा ठंड लगने लगता है, ये लो बीपी का सिम्टम है. एक हाई बीपी, हाई बीपी में क्या होता है कि हमें बहुत ज्यादा घबराहट होने लगती है, गुस्सा होने लगता है, एकदम इतनी ज्यादा घबराहट होने लगती है कि हम तोड़ मोड़ झगड़ा वगैरह कुछ भी स्टार्ट कर देते हैं. ओके, तो हाई बीपी भी डेंजरस है, लो बीपी भी डेंजरस है. लो बीपी क्या होता है कि लो बीपी इतना डेंजरस है कि हम किसी को इन्फॉर्म नहीं कर सकते हैं कि हमारा बीपी बहुत लो हो रहा है और हम मतलब एक डेथ भी हमारी हो सकती है. या हाई बीपी हुआ है तो हम किसी को आवाज नहीं दे सकते कि मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रहा है, बहुत ज्यादा प्यास लग रहा है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, हॉस्पिटल लेके जा सकते हैं. बट एक हाई बीपी में आपको चांस मिलेगा अपने आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, सेव करने के लिए. बट लो बीपी में बिल्कुल भी ये चांस नहीं मिलता है. और लो बीपी में आप अगर किसी को हुआ है या सिम्टम्स, दोनों के सिम्टम्स मैंने आपको बताया. लो बीपी का सिम्टम्स, आपके जो हाथ पैर हैं ठंडे होने लगते हैं और जल्दी जल्दी अगर हाथ पैर बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा है, तुरंत आप जो नमक है, साल्ट है, उसको वाटर में मिक्सअप करके दीजिए, तुरंत आपका जो वाटर मतलब सॉरी आपके जो ब्लड प्रेशर जो लो हुआ है तुरंत उसको नॉर्मल कर देता है आपकी बॉडी. या अगर आपको बहुत ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर है, बहुत ज्यादा हाई बीपी हुआ है, उस टाइम तुरंत आप एक ग्लास में शुगर मिक्सअप करिए और तुरंत उसे इंटेक कर लीजिए, या ऐसे ही शुगर लेके इंटेक कर लीजिए, तुरंत आपका जो ब्लड प्रेशर है वो हाई से नॉर्मल हो सकता है, कुछ कम हो जाएगा. जो बहुत ज्यादा हाई हुआ है वो कुछ कम हो जाएगा. ओके, तो ये इसीलिए आप देखो, जब लोग भी हम लोग जब भी धूप से घर जाते हैं, बहुत तेज धूप है, या गेम्स खेल के ग्राउंड से अंदर आते हैं, तो हमारे बॉडी में ऐसा लगता है कि एकदम वीकनेस हो रखा है, एकदम बहुत ज्यादा वीकनेस हो रखा है. और अगर कोई भी हमें बोलता है, कुछ बोल देता है, तो तुरंत गुस्सा हो जाता है. क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है और तुरंत हमारा बीपी हाई हो जाता है. ओके, तो बीपी अगर हाई हुआ है तो तुरंत जो शुगर है, शुगर थोड़ा सा ऐसे शुगर पाउडर ले लो और वाटर से ड्रिंक कर लो, कुछ क्वांटिटी में, कुछ परसेंटेज में जो आपका हाई बीपी है वो कम हो जाता है. और बीपी लो है तो साल्ट ले लो, थोड़ा सा बीपी हाई हो जाता है. ओके, और हाई बीपी के क्या क्या, जो हाइपरटेंशन है, हाई बीपी है, उसके क्या क्या डिसएडवांटेज हैं? एक, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर हुआ है, हाई बीपी हुआ है, तो इसमें होता क्या है कि हमारे बॉडी में जो ब्लड है वो किसके थ्रू पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है, ब्लड वेसल्स, आर्टरीज के थ्रू. ओके, और जो आर्टरीज है उनका एक लिमिटेशन होता है कि हाँ, आर्टरीज की जो वेन्स है वो इतने पतली है, वो इसके अंदर कितना ब्लड फ्लो करेगा, जितना इसकी सर्कमफेरेंस है. ओके, जितनी इसकी विथ है उतना ही इसमें ब्लड फ्लो करेगा. ओके, बट अगर बहुत मतलब हाइपरटेंशन में हाई ब्लड प्रेशर अगर बहुत ज्यादा वाटर फ्लो करेगा, क्या होगा, जो आर्टरीज हैं वो मतलब जो आपका हार्ट है वो फेल कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोग टैप में पानी लगा, मतलब टैप में पाइप लगाते हैं और टैप ऑन कर देते हैं, पानी पूरा अच्छी तरह, जो वाटर है वो अच्छी तरह टैप पाइप में जो लगे उसमें फ्लो कर रहा है. ओके, बट जैसे ही हम पाइप कहीं पे मुड़ जाती है तो जो प्रेशर है वाटर का फ्लो है वो क्या हो जाता है, बहुत फास्ट हो जाता है. और बहुत फास्ट होता है तो क्या होता है, टैप के यहां से जो आपका पाइप है वो निकल जाता है. ओके, मीन्स आपका पाइप निकल गया. ओके, या जो आपका समरसेबल है, टुल्लू पंप है, जब हम चलाते हैं तो अगर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है कहीं पे भी,
कहीं से पानी लेके मतलब पानी पास नहीं हो रहा, बहुत ज्यादा लीकेज हो रहा है, तो जो पाइप्स लगी हुई है वो पाइप फट जाती है। वही हमारे साथ होता है कि हम जब बहुत ज्यादा हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो इसके थ्रू क्या होता है कि जो हमारे वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, इनके फटने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं या कभी कभी किसी का हार्ट फेलियर हो सकता है। ओके, तो ये सारी बहुत सारी डिफिकल्टी होती है। ओके, तो इन सब से अपने आप को बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, हम योगासना, जो बहुत सारे ऐसे योगासना हैं, उनको हम करके अपने जो ये हाइपरटेंशन है इससे अपने आप को बचा सकते हैं। बट सबसे ज्यादा योगासना से भी सबसे ज्यादा क्या है, हमारा लाइफस्टाइल चेंजेस। लाइफस्टाइल चेंजेस मींस ज्यादा से ज्यादा सुबह उठना, मॉर्निंग में उठना, एक्सरसाइज करना, अच्छी नींद लेना। अगर हम देखो हाइपरटेंशन क्यों होते हैं, अगर प्रॉपर रेस्ट नहीं लेते हैं, प्रॉपर कभी भी हमने रेस्ट नहीं लिया है, 6 hours 7 hours का हमने साउंड स्लीपिंग नहीं लिया, एकदम गहरी निद्रा नहीं लिया, तो आप नेक्स्ट डे देखो कि आपका जो न्यूरोमस्कुलर सिस्टम है, मींस आपका जो ब्रेन है, वो अच्छी तरह रिस्पॉन्स नहीं करता है। आप क्लासेस में अक्सर आपने क्लासेस आप जब अटेंड करते हो तो आपने देखा होगा कि जब भी शादी सीजन आता है उस टाइम आप पूरी रात बारात अटेंड करते हो, अगले दिन आप शादी में आते हो, सॉरी स्कूल में आ जाते हो, और स्कूल में जब भी टीचर आपको पढ़ाते हैं आपका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे नहीं बनता है और आप एकदम इरिटेट हो जाते हो, टीचर्स आपको डांटते हैं तो आपको गुस्सा आता है। क्यों क्यों? क्योंकि आपका जो न्यूरोमस्कुलर सिस्टम है अच्छी तरह रिस्पॉन्स नहीं करता है। तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है प्रॉपर रेस्ट लेना, मीन्स अच्छी नींद। दूसरा, लाइफ स्टाइल चेंजेस मीन्स सुबह उठना, अच्छी एक्सरसाइज, डेली का डेली एक्सरसाइज करना, जिसके थ्रू हमारे बॉडी के जितने भी ग्लैंड्स हैं वो अच्छी तरह हार्मोन्स को सेक्रेट कर सकें। थर्ड, अच्छा डाइट लेना। डाइट में भी आपको जो साल्ट की क्वांटिटी है वो कम से कम लेनी है। मीन्स साल्ट ऐसा नहीं है कि एकदम नहीं लेना है, अगर एकदम आप साल्ट नहीं लोगे तो तुरंत आपका बीपी लो हो जाएगा। साल्ट एक क्वांटिटी में लेना है। बहुत लोग होते हैं जैसे सैलेड है, सैलेड में ऊपर से स्प्रेड करते हैं साल्ट को और उसके बाद लेते हैं, तो वैसे भी कभी कभी वेजिटेबल्स में आपको ऐसा लगता है कि वेजिटेबल्स में साल्ट की क्वांटिटी कम है, हल्की फुल्की कम है, ले लीजिए, उसे खा लीजिए। बट अगर उसको आप ऊपर से स्प्रेड करके लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है और उसके थ्रू आपको हाइपरटेंशन की डिजीजेस हो सकती हैं। एक दिन साल्ट ज्यादा खाने से नहीं होता है, अगर रेगुलर इसको आपने लाइफ स्टाइल में इंप्लीमेंट कर लिया है, हमेशा आप सैलेड में, पल्सेस में, वेजिटेबल्स में ऊपर स्प्रेड करके साल्ट को खा रहे हैं, तो आप हाइपरटेंशन से फ्यूचर में सफर कर सकते हैं। ओके, तो हाइपरटेंशन अगर आपको है या किसी को भी है तो हर्ट, जो हमारा हर्ट है उसपे वो सबसे ज्यादा अटैक करता है, और हर्ट जब फेल हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है इंसान की डेथ हो जाती है। ओके, तो इसको अगर आपको डिफाइन करना रहेगा तो आप कैसे इसको डिफाइन करोगे? हाइपरटेंशन इज ऑल्सो नोन एज हाई ब्लड प्रेशर। एक चीज का ध्यान रखना कि आपके इस साल से मतलब लास्ट ईयर से जो पैटर्न है वो चेंज हुआ है, मीन्स ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। ओके, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस को मतलब कुछ लाइंस को अंडरलाइन कर दिया है, आप लोग भी ऐसे पढ़ना और जहां पे भी ऐसे पॉइंट मिलते हैं अंडरलाइन या हाईलाइट कर देना। जैसे हाइपरटेंशन इज ऑल्सो नोन एज हाई ब्लड प्रेशर एंड इज अ लॉन्ग टर्म मेडिकल कंडीशन इन विच द ब्लड प्रेशर इज आर्टरीज इज परसिस्टेंटली एलिवेटेड एंड लॉन्ग टर्म हाई ब्लड प्रेशर हाउएवर इज मेजर रिस्क फैक्टर ऑफ कोरोनरी आर्टरीज डिजीजेस एंड स्ट्रोक, हार्ट फेलियर, वजन लॉस, क्रॉनिक किडनी डिजीजेस एंड डेमेंशिया। जैसे एक चीज और, हम बहुत ज्यादा अगर मतलब हाइपरटेंशन से अगर हम सफर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि हमारे बॉडी के जितने भी ग्लैंड्स हैं वो प्रॉपर अमाउंट में जो हार्मोन्स का सेक्रेशन करते हैं वो नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी डिजीजेस हो सकती हैं। जैसे आपका क्या है, आर्टरी डिजीजेस, मीन्स आपकी जो आर्टरीज हैं, एक मैंने आपको लास्ट 11 में बताया था कि हम जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, हमारे 3 ब्लड सेल्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, तो हमारी आर्टरीज हैं और आर्टरीज जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो आर्टरीज के ऊपर जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं ये आके पूरे प्लेकेट के फॉर्म में स्टिक होने लगते हैं, और जब वो स्टिक होने लगते हैं मतलब यहाँ पे पूरा ये स्टिक होने लगते हैं, जिससे ये जो आपका
अर्टरी से ही धीरे धीरे पतला होने लगता है, जिसके थ्रू ब्लड जो है अच्छी तरह अर्टरीज में फ्लो नहीं कर पाता है। जैसे आप कहीं पे भी आप देखो पाइप, मतलब जो ट्यूबवेल से पानी चलता है या टैप से आप पाइप लगा के पानी चलाते हो, वाटर अच्छी तरह फ्लो कर रहा है, आप जाओ उसको अपने हैंड से जरा प्रेस करो फिर देखो क्या होता है, पाइप जो होता है वो निकल जाता है या पाइप पैन कहीं से फट जाता है। वही जो हमारे आर्टरी डिजीज होता है, जगह जगह से जो हमारी वेन्स हैं वो पूरे प्लेक्यू के फॉर्म में ऐसे ऐसे दब जाती हैं, जिसकी वजह से जो पूरे बॉडी में हमारे जो ब्लड है वो अच्छी तरह सर्कुलेट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के ऑर्गन अच्छी तरह फंक्शन नहीं कर पाते हैं और ये हमारे लिए डिसेबिलिटी हो जाती है, जिसकी वजह से हमें कहीं पे भी किसी भी ऑर्गन में पेन हो सकता है या न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम हो सकती है या कुछ भी हो सकता है, हम कह नहीं सकते हैं। एंड स्ट्रोक आपने जो इसका क्या है बेनिफिट ऑफ आसन, उसमें आपने देखा था कि स्ट्रोक एंड कार्डियक फेलियर एंड हार्ट फेल होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। जो मैंने एग्जांपल आपको दिया कि सबमर्सिबल आप चलाते हो, अगर पाइप को मतलब प्रेस की रहो पानी बाहर ही नहीं निकलेगा या पानी या तो पाइप फट जाएगी या आपका जो मोटर है वो जल जाएगा, वैसे आपका जो हर्ट है एज ए सबमर्सिबल मान लीजिए वो जल जाएगा फेल हो जाएगा। एंड विजन लॉस, अभी मतलब मैंने हॉस्पिटल गया था तो मैंने देखा था एक ऐसे लोग थे जो इतना ज्यादा टेंशन लिए थे अपनी फैमिली में, बहुत ज्यादा तुम्हें करते थे, बहुत ज्यादा हाइपरटेंशन से सफर कर रहे थे और बहुत ही ज्यादा उन्होंने स्ट्रेस ले लिया था, जिसकी वजह से विजन लॉस क्यों हुआ था, क्योंकि उनको ब्रेन नहीं आई हैमरेज हो गया था, और जब आई हैमरेज होता है उसमें क्या हुआ था कि आई हैमरेज में अटैक हुआ और उनकी वन आईज की जो विजन है वो खत्म हो गया, अब उनको बस एक ही आंख से दिखता है। ओके, तो विजन लॉस भी हो सकता है, रीजन क्या है स्ट्रेस लेना। एंड क्रॉनिक किडनी डिजीजेस एंड डिमेंशिया, ये सारे जो डिजीज हैं या मतलब इससे जो भी हाइपरटेंशन सफर करते हैं उनको हो सकता है। नेक्स्ट आता है ब्लड प्रेशर इज स्ट्रेस बाय टू मेजरमेंट ऑफ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर व्हिच आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रेशर रेस्पेक्टिवली। जैसे हम लोग डॉक्टर के पास जब भी चेकअप के लिए जाते हैं या कभी भी डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं, पहले हमारा बीपी चेक करते हैं, वो स्टेथोस्कोप लगाते हैं और पहले हमारा वो बीपी चेक करते हैं, और बीपी चेक करते हैं तो फिर बताते हैं कि आपका बीपी नॉर्मल है, अगर बीपी हाई है तो वो उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन को रिकमेंड करते हैं, मीन्स वो हमारा बीपी चेक कर लेते हैं उसके बाद ही वो मेडिसिन को रिकमेंड करते हैं। क्यों, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है जैसे आपका यहाँ पे लिखा विजन लॉस, हेडेक हो रहा है, बहुत ज्यादा सर में दर्द हो रहा है या हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी तरह काम नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हाइपरटेंशन से सफर कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे जो ग्लैंड्स हैं अच्छी तरह रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, मीन्स जो हमारा क्या होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, एंड व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट इट पुशेस द ब्लड फ्लो ऑफ द ब्लड वेसल्स, कॉन्सिक्वेंटली द ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस इन आर्टरीज, दिस प्रेशर इज नोन एज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो कि आपका 120 है, ये हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, मीन्स हमारा जो हार्ट है ये हमारा हार्ट है कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ओके, एक बार में ये पूरे हमारे आर्टरीज में कितना ब्लड का फ्लो कर रहा है, ये क्या है हमारा एक बार में कितना इसने बीट मतलब ब्लड फ्लो किया 120। ओके, उसके बाद रिलैक्स हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ और पूरे ब्लड को फ्लो किया, 120 आया, उसके बाद ये रिलैक्स हुआ, फिर इसमें ब्लड फिल हुआ, फिर तुरंत ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर पूरे बॉडी में ब्लड को सप्लाई इसने किया, तो एक बार में ये कितना हमारा हुआ 120। एंड ये हमारा इसको हम क्या बोलेंगे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, मीन्स ये भी आपका यहां से भी आपका वन मार्क का क्वेश्चन अराइज हो सकता है, द प्रेशर इज ऑल्सो नोन एज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ओके, कौन सा 120 या 80, 120। नेक्स्ट आता है द प्रेशर बिटवीन टू हार्ट बीट इज कॉल्ड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, मीन्स एक बार आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ, पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई हुआ, रिलैक्स हुआ वन बीट, उसके बाद फिर आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ, पूरे बॉडी में सप्लाई हुआ ब्लड, फिर आपका हार्ट रिलैक्स हुआ, फिर टू बीट के बीच में जो प्रेशर आते हैं वो हमारा क्या होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ओके, और ये ब्लड प्रेशर अगर हमारा बढ़ जाता है तो हमें बहुत ज्यादा घबराहट होने लगती है, बहुत ज्यादा प्यास लगने लगती है, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है, अगर हम इमीडिएटली डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं तो
डेथ होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। किसी किसी का 140 तक जाता है तो बस घबराहट होती है, बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं। किसी किसी का 180 तक चला जाता है, तो 190 तक गया, 200 तक गया, आपके जो आर्टरी वेंस हैं फट जाती हैं, हार्ट फेल हो जाता है, डेथ के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। एंड द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ एन एडल्ट इज 120 टू 80 mmHg एंड अ पर्सन whose blood pressure reading beyond in 140 to 90 mmHg is said having hypertension। अगर किसी का ब्लड प्रेशर हमेशा मतलब एक दिन नहीं, अगर 140 टू 90 कभी कभी के सिचुएशन में बढ़ रहा है तो ठीक है। अगर जिसको हम लोग बोलते हैं एक तुरंत मिजाजी, मतलब वो बात बात में गुस्सा हो जा रहा है, हर बात में गुस्सा हो रहा है, मीन्स वो हाई बीपी से सफर कर रहा है और कहीं ना कहीं उसको अपने लाइफ स्टाइल में चेंजेस करना चाहिए, अदरवाइज नहीं लेना चाहिए। जैसे आप बहुत सारे योगासना है वो आप कर सकते हो, डेली जब मॉर्निंग में उठते हो तो एक्सरसाइज करना जरूरी है। कभी भी आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर आपको इतनी सारी मेडिसिन दे देगा बट लास्ट में जरूर रिकमेंड करेगा कि थोड़ा सा हेल्दी डाइट लीजिए और मॉर्निंग एक्सरसाइज जरूर किया करिए। क्यों? क्योंकि आप जब मॉर्निंग एक्सरसाइज करेंगे तो आपके बॉडी के जितने भी ग्लैंड्स हैं वो प्रॉपर अमाउंट में हार्मोन्स का सेक्रेशन करेंगे, जिसकी वजह से आपका जो एक एंडोर्फिन नामक हार्मोन्स है जो यहाँ पे सेक्रेट होता है, ये आपके स्ट्रेस के लेवल को बढ़ने नहीं देता है, हमेशा उसको सप्रेस करके रखता है, दबा के रखता है, जिसकी वजह से आपको खुश, आपका जो ब्रेन है आपको खुश रखने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और जब आप खुश रहेंगे, टेंशन नहीं लेंगे, तो आपका जो बीपी है वो बढ़ेगा ही नहीं, और बीपी नहीं बढ़ेगा तो आप हाइपरटेंशन से कभी भी नहीं सफर कर सकते हैं। और ये जो हाइपरटेंशन है, ये आजकल आजकल जो मिडिल एज के लोग हैं, जैसे हम लोग हैं, या 20 से 30 एज के जो बच्चे हैं, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, आप देखो इसी एज में ये ज्यादा हाइपरटेंशन देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज करने का किसी के पास टाइम नहीं है, मेडिटेशन करने का किसी के पास टाइम नहीं है, बट आपका योगासना ऐसा है, मीन्स आपके जितने भी प्राणायाम है अगर इनको आप रेगुलरली करते हो तो आप अपने आप को हाइपरटेंशन से क्योर कर सकते हो। ओके? इसको डेफिनेटली आप क्योर कर सकते हो। अगर आप हाइपरटेंशन से अपने आप को नहीं बचाओगे तो डेफिनेटली अगर आपका जो हाइपरटेंशन मतलब आपका जो ब्लड प्रेशर है 140 60 80 तक जाएगा तो बचने के चांसेस कम से कम रहते हैं। अगर लेट होता है तो कभी कभी आपका हार्ट फेल भी कर जाता है। तो योगासना करिए, मॉर्निंग में डेली एक्सरसाइज करिए, नहीं टाइम है तो योगासना आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। ओके? नहीं टाइम है तो डेली बाय डेली मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन एक ऐसा प्राणायाम है, एक ऐसा प्राणायाम है जिससे आप अपने हाइपरटेंशन को क्योर कर सकते हो, डायबिटीज को आप नहीं रोक सकते हो, हाइपर अस्थमा को आप नहीं रोक सकते हो, बट हाइपरटेंशन को आप रोक सकते हो। ओके? थ्रू द योगासना, लाइफ स्टाइल चेंजेस, थोड़ा सा अपने जो भी आपने फूडिंग मतलब जब भी आप रेगुलर थाली लेते हो, जो भी आपने साल्ट स्प्रेड करने का एक रॉ साल्ट स्प्रेड करने का जो जो टेक्निक स्टार्ट कर दिया, इसको थोड़ा सा कंट्रोल कर लो, स्वीट्स कम से कम खाओ, हमेशा आपका जो बीपी है ना वो लो होगा ना वो हाई होगा, एकदम नॉर्मल होके रहेगा। ओके? थैंक यू। हेल्दी रहिए, हाइपरटेंशन से बचिए। ओके?